नवी मुंबई नेटवर्क। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर जय श्री राम के उद्घोषों के साथ रबाल स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा हर साल के भांति इस साल भी बेहद आध्यात्मिक और परंपरागत रूप से श्री राम जन्मोत्सव का भक्ति भाव से आयोजन किया गया। रामनवमी के उपलक्ष में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इस दौरान रबाले में भव्य दिंडी यात्रा का भक्ति भाव के साथ आयोजन किया गया, जहां इस भव्य श्री राम लला की दिंडी यात्रा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व नगर सेवक और पूर्व महापौर सुधाकर सुनाव ने विशेष रूप से मौजूद रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नमन करते हुए इस दौरान संपूर्ण रबाले परिसर से निकली यह भव्य दिंडी यात्रा का स्वागत पूर्व नगर सेविका रंजना सुनावने ने किया। रंजना सुनावने ने राम लला की विधिवत पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें नमन किया। इस भव्य दिंडी यात्रा के कारण संपूर्ण रबाले परिसर आध्यात्मिक माहौल में सराबोर हो उठा। इस दौरान वारकरी समुदाय द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक भजन और कीर्तनों के कीर्तन से संपूर्ण परिसर जय श्री राम के उद्घोषों से गूंज उठा। इस अवसर पर एक आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण का संचार संपूर्ण रबाले परिसर में होता दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, इस अवसर पर प्रभु श्री राम और माता सीता के वेशभूषा का परिधान कर इस भव्य दिंडी यात्रा में बच्चे भी शामिल हुए, जिसके चलते दिंडी यात्रा को एक आध्यात्मिक स्वरूप और प्रभु श्री राम और माता सीता का साक्षात दर्शन होता प्रतीत हो रहा था। इस दौरान यह दिंडी यात्रा मंदिर में पहुंचकर मंदिर परिसर के प्रांगण में राम लला का जन्मोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया, जहां इस दौरान इस जन्मोत्सव में बच्चों से लेकर प्रभाग के तमाम नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक और राम भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान सभी के मुख से सिर्फ एक ही उद्घोष निकल रहा था, जय श्री राम। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रभु श्री राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी विशेष तौर पर आयोजन किया गया, जिसका सभी उपस्थितों ने लाभ उठाकर हर्षोल्लास के साथ राम नवमी पर्व मनाया। आदरणीय आमचे मामा श्री सोनवणे साहेब माजी महापौर यांची सातत्याने ह्या विभागाला संपूर्ण साथ असते, आणि त्याच उत्साहाने कुठल्याही जाती धर्माचा भेद न करता हा सर्व उत्सव ते समोरे जाऊन आणि पार पाडत असतात, म्हणून मी या सर्वांना धन्यवाद देईल। आणि ह्या वारकरी संप्रदायाची ही परंपरा कायमस्वरूपी टिकून राहो, हीच प्रभु रामचंद्रेश्वर चरणी प्रार्थना करेन। सर्व सहकार्य करतात, आबालवृद्ध आणि एकोप्याने राहतात, आणि विशेष म्हणजे इथे म्हणजे बसणी मंडळ आहे, सर्व आहे इथं, म्हणजे सगळे आहेत परंपरा इथे, पण एक आमच्या इथे छोट्याशा ह्याच्यामधून कीर्तनकार सुद्धा आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।